इसी तरह सही हदीस में आता है कि एक मुनाफिक मुसलमान था, यानी बज़ाहिर तो मुसलमान था लेकिन अंदर से मुनाफिक था, काफिर था। उसका एक यहूदी से किसी लेन देन में झगड़ा था। यहूदी ने कहा भाई बात सुनो, तुम तो मुसलमान हो ना, हजूर पाक की खिदमत में चलते हैं, अल्लाह के नबी को ये किस्सा सुनाते हैं, हजूर जो फैसला कर ले तुम भी कबूल करो मैं भी कबूल करूं। उसने कहा ठीक है। उस मुसलमान ने भी ये समझा कि भी बहरहाल कुछ भी हो मैं मुसलमान हूं जाहिर में, अब बातिन का इल्म तो अल्लाह को है ना, और ये यहूदी है तो लाजमन हजूर मेरे हक में फैसला फरमाएंगे। लेकिन जब हजूर ने फैसला सुना, किस्सा सुना, मुकदमा सुना, तो मालूम हुआ कि हक यहूदी का है, तो अल्लाह के पैगंबर ने तो हक वाले के हक में फैसला करना था, आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अब मुसलमान बड़ा परेशान कि ये तो अल्लाह के नबी ने भी फैसला मेरे खिलाफ कर दिया। जब बाहर निकले तो कहने लगा देखो बात सुनो, हो सकता है कि मेरी बात या आपकी बात हजूर पाक को पूरी तरह समझ ना आई हो, इसलिए मेरा मंशा है कि हम एक दफा सैयदना उमर से भी फैसला करवा लें। उसका ख्याल ये था कि हजरत उमर तो बड़ा सख्त आदमी है, बड़ा शदीद आदमी है, वो तो कभी यहूदी के हक में फैसला नहीं करेंगे। तो हजरत उमर के दरवाजे पे आए, उनको सारा किस्सा सुनाया, और यहूदी ने भी बतलाया कि इस तरह हम हजूर की खिदमत में गए थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वासहाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ने फैसला जो है वो मेरे हक में कर दिया, ये आपका मुसलमान नहीं मानता। आपने उससे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी बात तो यही है। आपने कहा अच्छा तुम ठहरो मैं तुम्हारा फैसला करता हूं। आप अपने घर में तशरीफ लेके आए और फारूक की तलवार लेके आए और मरी और मुनाफे की गर्दन उड़ा दी। उन्होंने कहा हा कदा कभी बिमालम यदा कदा ए रसूलुल्लाह, उमर इसी तरह फैसला करेगा जो हजूर के फैसले पे राजी नहीं होगा। अब जनाब बात बढ़ गई, उस मुनाफिक के साथी रिश्तेदार भी हजूर की खिदमत में पहुंच गए कि या रसूल अल्लाह एक मामूली मामला था, उसके लिए उमर ने हमारा बंदा कत्ल कर दिया है, अगर झगड़ा था उसके खिलाफ फैसला फरमा देते, उसको सजा दे देते, जुर्माना दे दिए तो नहीं कि कत्ल कर दो। हजूर ने हजरत उमर को बुलाया कि पूछू क्यों किया है तुमने ऐसा। हजरत उमर अभी दरबार में पहुंचे, हजूर ने अभी फैसला नहीं फरमाया कि अल्लाह ने जिब्रील भेजा फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا। اللہ نے فرمایا میرا محبوب عمر نے جو فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ربک، تیرے رب کی قسم محمد مصطفیٰ، اللہ کا، اللہ تو سب کا رب ہے نا، لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے نا کہ خطاب کر کے فرماتے ہیں فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یومنون، وہ ہرگز ایمان والے نہیں جو آپ کے فیصلے پر قبول نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں۔ اگر آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی کرکری ہوتی ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، یہ کافر تھا جس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا ہے، اور حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسی کو ہم قبول فرماتے ہیں۔